प्रथम तहलका न्यूज भाजपा की बड़ी खबर आपको बता दें, सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। बता दें कि सर्वदलीय बैठक में फसल खरीद को लेकर खास तौर से चर्चा हुई है। फसल खरीद के इंतजामों को लेकर सभी दलों के नेताओं के साथ चर्चा हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने बयान में बताया कि सभी दलों ने खरीद प्रणाली की मॉनिटरिंग के लिए कहा है। बता दें कि गेहूं की खरीद का समय आ चुका है। गेहूं की खरीद प्रक्रिया के लिए बड़ी संख्या में मैन पावर की जरूरत है, करीब 10,000 मैन पावर की जरूरत है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी या अन्य विभागों के कर्मचारियों से सहयोग लेने पर भी सहमति बनी है। जी हां, बता दें आपको कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण इस वक्त हरियाणा में भी फैला हुआ है, जिले भर में इसके लिए एहतियात बरता जा रहा है और मंडियों में भी भीड़भाड़ न हो इसके लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जाएंगे। इस पर भी सर्वदलीय बैठक में बातचीत हुई। वहीं 16,000 लेबर शेल्टर में थे, इनमें से 1,25,000 लोग वापस अपने स्थान पर फिलहाल जा रहे हैं, इसीलिए दूसरे विभागों से भी पूरी प्रक्रिया के लिए मदद ली जाएगी। मैं आपको बता दें कि कॉटन सीड्स किसानों को उचित मात्रा में मिल सके इस पर भी फोकस किया गया, इसका भी प्रयास सरकार करेगी। वही बता दें आपको कि सभी दलों ने विधायकों से अपना वेतन और भत्ता दान करने के लिए कहा है, सरकार से बातचीत के लिए कहा है। सभी विधायकों से सरकार इस बारे में बात करेगी। सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई। वहीं ये भी कहा गया कि पूर्व विधायकों से भी पेंशन और भत्ते दान करने के लिए बातचीत की जाएगी। वहीं बता दें कि ICMR ने अब रैपिड टेस्टिंग किट को भी मंजूरी दे दी है, जिससे कि रिपोर्ट लंबे समय में जो 8 घंटे में सैंपल्स लैब से टेस्ट होकर वापस आते थे, जो अब 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में ये प्रक्रिया इस ICMR द्वारा मंजूरी दी गई रैपिड टेस्टिंग किट से हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि NCR के जिन जिलों में ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, उन जिलों में अब कम्युनिटी लॉकडाउन का मन भी सरकार बना रही है। कम्युनिटी लॉकडाउन भी किया जा सकता है और इन जिलों में खास तौर से विशेष निगरानी भी की जाएगी जहां कोरोना के ज्यादा मामले सामने आए। बड़ी खबर इस वक्त की सर्वदलीय बैठक हुई, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ये तमाम बातें साझा की। क्या कुछ कहा उप मुख्यमंत्री ने, चलिए सुनवा। वीट के लिए हमें लगभग 10,000 लोगों की मैन पावर एडिशनल चाहिए होगी, उसके ऊपर सरकार ने अपनी वर्किंग करी है। एडिशनली चाहे वो PWD के साथी हो चाहे और डिपार्टमेंट्स के हों, उनको हम यूटिलाइज भी प्रॉपर तरीके से करेंगे। कॉटन कॉरपोरेशन से भी हमारी बात हो चुकी है, आगे क्योंकि कॉटन के सीड की ज़रूरत पड़ेगी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा भी इस पर कदम उठाए गए हैं कि कॉटन सीड भी प्रॉपर मात्रा में हमारे किसानों को हम टाइमली उपलब्ध करा देंगे। एक चीज जो तमाम लीडरान ने कही कि अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार विधायकों से ये पूछे कि वो अपने वेतन भत्ते को और अगर डोनेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। की बात है कि केंद्र सरकार ने ICMR ने रैपिड टेस्टिंग किट जो है वो अनेकों कंपनीज की अप्रूव करी है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जो 8-8 घंटों के बाद रिपोर्ट आया करती थी, रैपिड टेस्टिंग किट से हमें 5-5 मिनट के अंदर ये रिपोर्ट्स आ जाएंगी प्राइमरी स्टेज की, जिससे नंबर ऑफ टेस्ट भी बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ केसेस अगर कोई कम्युनिटी के अंदर इफेक्ट कर रहे हैं उसको भी प्रॉपर मॉनिटर किया जाएगा। आपके 100 से ऊपर केसेस पहुंच चुके हैं कल शाम तक, ये अपने आप में सरकार को प्रोएक्टिव रूपी आगे कैसे कदम उठाने उस पर लेकर चल रहा है। और जिन जिन जिलों के अंदर नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं वहाँ कम्युनिटी लॉकडाउन भी किया जाएगा और उसके साथ स्पेशल स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग भी करी जाएगी।